मैं आपको ना फैक्टराइज का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है 4y² - 12y+9। तो पता है इसे कैसे किया जाता है? इसके साथ जो रकम होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, पहले बड़ी पावर फिर छोटी, फिर है नहीं। तो 9 चौक 36 होता है। अब 36 किसके बारे में आता है? 9 चौक 36, 6 छक 36 और 36 एकम 36। 9 4 36, 36 36, 36 1 36। ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है? प्लस। तो प्लस करने पर 12 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। 9 4 13 इसमें नहीं आएगा, 6 6 12 इसमें आएगा। तो 4y² - (6y+9) जोड़ने पर 12 आ रहा, मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है। तो हमने सही करा। फिर ब्रैकेट खोल दो, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 9। दो ग्रुप बन गए, जोड़ियां बना लो, जोड़ियां बना लो। यहां के लिखे माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर वालों के साइन चेंज 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 साइन चेंज चेंज। जब माइनस आएगा तभी चेंज होंगे, प्लस आएगा तो सेम उतार देंगे, सेम सेम। ठीक है। अब इसके टुकड़े करो। 4 के क्या होता है? 2 दुनी 4, वाई का वाई। 6 का क्या होता है? 3 दुनी 6 वाई। 6 का क्या होगा? 3 दुनी 6 वाई। 9 का क्या होगा? 3 3 9। फिर जोड़ियां बना लो, यहाँ इक्वल लगा लो, जोड़ियां बना लो, फिर इक्वल भी लगा लो। ठीक है। अब इन दोनों में सेम क्या है? सेम सेम कपड़े भी, सेम सेम लिखना भी, सेम सेम बातें भी, सेम सेम। और यहाँ पर हमें वो भी बातें नहीं करनी, हमें देखना दोनों में सेम सेम क्या है। दो दो, दोनों में दो दो, सेम सेम। वाई भी सेम सेम, तो जो सेम सेम है उसे बाहर रख लेंगे। अंदर क्या बचा? 2 और y। यहाँ माइनस उतार लिया, यहाँ क्या बचा? 3। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इन दोनों में जोड़ी, इस जोड़ी में देखो क्या सेम है। अगर सेम कुछ नहीं होगा ना तो 1 लिख देते। सेम दे रखा 3, तो 3 लिख दिया। ये माइनस उतार दिया, 3 लिख दिया। अंदर क्या बचा? 2y। बाहर क्या? माइनस। जब बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले के साइन चेंज होंगे। तो ये माइनस का 2y है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये सेम सेम आ गए, सेम सेम अगर ये सेम सेम आ गए तो आपने सही करा, आपने सही करा। इन दोनों को एक बार लिख लो और इन दोनों को एक बार लिख लो, समझ में आ गया। ये हमने फैक्टराइज से करा। अगर एग्जाम में आ जाए इसको आइडेंटिटी से करो। देखो आइडेंटिटी अलग होती है, फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड अलग होता है। तो आइडेंटिटी से तब करते हैं जब इसके स्क्वेयर हो। 4 किसका स्क्वेयर होता है? 2 का। 9 किसका होता है? 3 का। 4 2 का होता है, 9 3 का होता है। या माइनस लिखा, 2 लिख के दोनों एक साथ। चार का 2 होता है, 9 का 3 होता है, माइनस 12 है तो 2 दुनी 4 12। अब इसका 2y लिखा, इसका माइनस, इसका 3। अब इसको सेम उतार दो, 2y - 3 2y - 3। तो डियर इस तरीके से पावर 2 लेके 2 बार लिख दिया। तो अगर आपसे बोलेगा आइडेंटिटी से करो, तो आइडेंटिटी तभी लगेगी जब इसके स्क्वायर दे रखे हो, और फैक्टराइज सब में हो जाएगा, फैक्टराइज सब में हो जाएगा। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिस्निंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।